दीपूस किचन। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। मसाला भिंडी के लिए हमने भिंडी कट करके रखा है, आप देख सकते हैं मैंने उसको क्रॉस कटिंग में किया है। भिंडी को कट देख सकते हैं आप, थोड़ा बड़ा रखा है पीसेस, बिल्कुल छोटा नहीं रखा है, अच्छे से कट हुआ है क्रॉस कटिंग में। और उसके लिए और सामग्री है, जीरा, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, हींग, नमक, और ये मैंने सिंगदाना का कूट लिया है जो मैंने रोस्ट करके छिलके निकाल के सिंगदाना का पाउडर बनाया है। अभी हम एक पैन में तेल गरम करने को रखेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल रखा है गरम होने को। अभी आप देख सकते हैं तेल जो है हमारा वो गरम हो गया है, उसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी और थोड़ा सा हींग डाल दूंगी। अभी मैं इसमें भिंडी डाल दूंगी। अच्छे से इसको हिलाएंगे। देख सकते हैं तेल ज्यादा गर्म रहेगा तो भिंडी का कलर बहुत ही ज्यादा ग्रीन कलर आ जाएगा। अभी हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। आज जो हम सेंगदाना वाला भिंडी बना रहे हैं वो ज़्यादातर महाराष्ट्रियन लोग खाना पसंद करते हैं, बहुत फेमस है महाराष्ट्र में मसाला भिंडी सेंगदाना वाला। अच्छा सा आप देख सकते हैं ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा आया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से भिंडी को हम पकने देंगे। अभी हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। आप टेस्ट के अनुसार लाल मिर्ची पाउडर यूज कर सकते हैं। मैंने कश्मीरी मिर्च यूज किया है जो तीखा नहीं रहता लेकिन उससे कलर अच्छा आता है। कश्मीरी मिर्च बिल्कुल तीखा नहीं होता, उससे कलर बहुत ही रेड आएगा लेकिन तीखा नहीं रहेगा। थोड़ा सा और पकने देंगे हम। भिंडी जो है वो अभी पक गया है तो अभी हम इसमें थोड़ा जीरा पाउडर डालेंगे। धनिया और जीरा पाउडर मैंने मिक्स में पीस के रखा है वो डालेंगे। मैंने फुल गैस पे ही पकाया है ताकि वो एक क्रिस्पी जैसा भिंडी हो जाए और ब्राउन कलर में आ जाएगा, अच्छा सा कुरकुरा हो जाएगा भिंडी। अभी हम सिंगदाना पाउडर डालेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जैसा पसंद आता है
किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, किसी को कम, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून सेंगदाना पाउडर यूज़ किया है और ज़्यादा मैंने क्रश नहीं किया है, उसको जो चिली कटर आता है उससे मैंने क्रश किया है ताकि वह पीसीस वाला रहे, बिल्कुल पाउडर ना हो जाए। आप देख सकते हैं अब इतना अच्छा सा मसाला उसको मिक्स हो गया है, भिंडी कुरकुरा हो गया है और जो सेंगदाना पाउडर है उसको उसने चिपक लिया है भिंडी में अच्छे से। अभी जो मसाला भिंडी है वो हमारा बन गया है, तो मैं अभी गैस को बंद कर दूंगी। और एक बाउल में निकाल दूंगी। मस्त भिंडी हमारा क्रिस्पी भिंडी बन गया है, मसाला भिंडी आप देख सकते हैं उसमें सेंगदाना पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी रेडी है हमारा भिंडी मसाला।